आज 75,000 से ज्यादा तिरंगा ध्वज फहराने की तैयारी बीजेपी की तरफ से यहाँ वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के आयोजन में किया गया है। और इस वक्त मैं कैंपस में हूँ, जिस कैंपस में आज तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी उन वॉलंटियर्स की जिन्हें आज यहाँ पर विशेष तौर पर बुलाया गया है। और देखिए इन सब के हाथ में कुछ इस तरह के झंडे हैं। झंडा कहाँ से आया है, किस तरीके से बना है, ये सब तस्वीरें और ये सब जानकारी एबीपी न्यूज़ ने आपको इससे पहले दी है। लेकिन आज इस वक्त जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो ये कि इन वॉलंटियर्स को 5 मिनट तक झंडा फहराते रहना है और तभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाएगा। आपको मैं बता दूँ कि इससे पहले पाकिस्तान में लगभग 56,000 लोगों ने 5 मिनट तक झंडा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और आज की तारीख में यानी 23 अप्रैल को पटना के पास ये जगदीशपुर मैदान में करीब 5 मिनट तक 75,000 से ज़्यादा लोग एक साथ अगर झंडा फहराएंगे तो पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। और इसी को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की तैयारियां जो है वो यहां पर की गई हैं। इसके अलावा क्या कुछ क्राइटेरिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, ये मैं जानना चाहूँगी क्योंकि कुछ अधिकारी जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से आए हुए हैं। स्वप्निल हम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्वप्निल से मैं कुछ जानकारी लेना चाहूँगी। स्वप्निल, कितने अभी तक आपको जो जानकारी मिली है वो कितने झंडे की मिल चुकी है कि इतने झंडे आ चुके हैं 75,000 से 1 लाख के बीच? ये इनका एक्सपेक्टेशन है कि बिटवीन 75,000 टू 1 लाख लोग अपेक्षित हैं और ये रिकॉर्ड लोगों के ऊपर काउंट होता है। एक व्यक्ति के हाथ में 2 अगर झंडे होंगे तो भी वो काउंट एक ही होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड बेस्ड है लोगों के ऊपर। तो करंट रिकॉर्ड इज़ अबाउट 56,000 प्लस, उससे ज़्यादा अगर लोग पार्टिसिपेट सक्सेसफुली करते हैं तो ये नया रिकॉर्ड बन सकता है। और कितने पूरे 5 मिनट तक? यस, 5 मिनट का हम टाइमर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टेज। 5 मिनट तक उनको फ्लैग वेव करते रहना है, उसमें अगर कोई नहीं करेगा तो डिस्क्वालीफाई होगा। इसके अलावा क्या जानकारियां हैं आज के इस इवेंट के बाद? सी, ये इवेंट में हम पहले तो मॉनिटर करेंगे कि फर्स्टली कितने लोग आने वाले हैं, इसका काउंटिंग होगा विद अ प्रॉपर टेक्निकल सिस्टम ताकि क्लेम जो है वो वेरीफाइड होगा कि इतने लोग ही अंदर आए हैं। उसके बाद हर 50 लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए एक और स्टूवर्ड होता है जो देखता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। तो हमारे पास एक एक्यूरेट नंबर आएगा बाय द एंड ऑफ दिस इवेंट और तब अगर सब कुछ हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से होता है तो ये एक सक्सेसफुल रिकॉर्ड बन सकता है और मैं आज ही सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर सकता हूँ। पाकिस्तान में इससे पहले आप बता रहे हैं कि लगभग 56,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ पाकिस्तान के झंडे फहराए थे, लेकिन अगर भारत का अगर पिछला रिकॉर्ड आपको याद हो तो कितने लोग एक साथ जो है इस तरीके का रिकॉर्ड कायम कर चुके? सी, आई थिंक पिछले कुछ सालों में एज अ रिकॉर्ड किसी ने अब तक किसी को अप्लाई नहीं किया था। बड़ी चीज़, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर आज ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल होता है तो काफ़ी बड़ा नंबर भी एक्सपेक्टेड है और इतनी गर्मी में लोग आएंगे तो आई थिंक उत्साह उनका उतना अच्छा होगा कि वो नेशनल पेट्रियोटिज्म के लिए यहाँ पे आके ये परफॉर्म करेंगे। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, आई होप इट्स अ सक्सेस। धन्यवाद। स्वप्निल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले पिछले कुछ सालों में तो कम से कम भारत में इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं बना है जब एक साथ इतने संख्या में, यानी यूं कह लीजिए कि हजारों की संख्या में लोग आए हों और तिरंगा फहराए हों। और यहाँ पर देखिए बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ सदस्य मुझे नजर आ रही हैं जो झंडा लेकर बिल्कुल तैयारी में जो है वो नजर आ रही हैं। और भारत माता की जय का जयकार जो उद्घोष है वो इस वक्त आप साफ सुन सकते हैं। सब कुछ राष्ट्र के नाम है, सब कुछ राष्ट्रीयता के नाम पर है और इसीलिए इस तरीके की तस्वीर यहाँ जगदीशपुर के दुलौर मैदान में नजर आ रही है। मैं इन महिलाओं से एक बार बात करना चाहूंगी, आप किस तरह की तैयारी? अमर सिंह अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। तरीके की तैयारी, तैयारियां किस तरीके? तैयारी आज हम लोगों की भव्य है और आज बहुत जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी ने जिस प्रकार से हम सब के लिए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज उसी जोश में वीर कुंवर सिंह जी के लिए आज हम सब देश का तिरंगा झंडा लहरा करके ये वीर कुंवर सिंह जी को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम लोग बता रहे हैं कि उसी जोश के साथ जिस प्रकार उन्होंने आज़ादी दिलाई थी उस आज़ादी की रक्षा करने के लिए यहाँ सारे देशवासियों आज उपस्थित होंगे और तिरंगा झंडा लहराएंगे। आप
लोग तो सुबह सुबह आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वही जोश है जो 80 वर्षों में उनमें जोश था, आज उसी जोश के साथ आज हम लोग सब यहाँ बहने उपस्थित है। कितने लोग मुझे आज यहाँ नजर आने, आज 3 लाख की संख्या भारत का झंडा लेकर के आज यहाँ लहराएगा। चलिए, तो 3 लाख की संख्या ये बता रही हैं कि आज यहाँ 3 लाख लोग दुलौर के इस मैदान में नजर आएंगे और राष्ट्र के नाम पर कह लीजिए इसको, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए या तिरंगा ध्वज फहराने का एक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कह लीजिए, जो कुछ है तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज जगदीशपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।